सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस दो दिवसीय प्रांतीय संत समागम के अवसर पर कल से ही एक सुंदर वातावरण इन मैदानों में बना हुआ है, जहां आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर इन घड़ियों, इन लम्हों को बिता रहे हैं। जो घड़ियां, जो लम्हे, जो पल मुबारक माने जा रहे हैं, और मुबारक इसीलिए हैं क्योंकि शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर, प्रेम भक्ति वाली भावना से युक्त होकर आप इन लम्हों और घड़ियों को बिता रहे हैं। कल से ही एक ऐसी महक की महसूसियत हो रही है, जो इन मैदानों में इन सुंदर भावनाओं के द्वारा इस वातावरण में स्थापित हो रही हैं, जिस वातावरण को दुनिया भर में देखने की अभिलाषा संतों महात्माओं की और सज्जन प्रवृत्ति वालों की हमेशा से रही हैं, और आज भी ऐसी सज्जन प्रवृत्ति वाले या भक्तजन चाहते हैं कि दुनिया भर में, संसार भर में ऐसा ही वातावरण ये स्थापित हो, जिसके द्वारा राहत महसूस की जा सके, आनंद मैं ये वातावरण ये बन पाए, खिंचाव वाला नहीं, भय वाला नहीं, हिंसा वाला नहीं, जुल्म सितम वाला नहीं, वातावरण प्यार वाला, करुणा दया वाला, एक दूसरे के काम आने की भावना वाला, वो वातावरण स्वर्गमय वातावरण होता है। इसीलिए धरती को जन्नत, धरती को स्वर्ग बनाने की जब बातें होती हैं, तो इन भावनाओं के बगैर संभव नहीं है। यही महापुरुष संतजन कल से इसी बात के ऊपर ये जोर दे रहे हैं कि ये भावनाएं जब तक हमारी बनेंगी नहीं, तब तक ये धरती का तो क्या, हमारे घर का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे गली मोहल्ले का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे प्रांत, हमारे मुल्क का भी स्वर्गमय रूप बनना संभव नहीं है। दुनिया और संसार की बात तो छोड़ो। तो इसलिए इन सुंदर भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। हृदय में अगर वो बस जाए तो फिर वास्तविकता में एक सुंदर चाल इंसान के द्वारा चली जाएगी। वो वही इंसान जो परिवार के अंग के रूप में है, समाज का हिस्सा है, इस देश का वासी है, और सारे संसार के जो मानवीय परिवार जिसको हम कहते हैं, उसका हिस्सा होकर ये हर जगह पर दूसरों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि एक इकाई ही सुंदर रूप धारण कर गई, तो वही इकाई फिर किसी रूप में भी है, उसने औरों के लिए सुख का कारण बनना है। तो इसलिए एक इकाई, दो इकाई नहीं, एक सामूहिक रूप में अगर यही एक इंसान इन गुणों से युक्त हो जाता है, तो वही फिर धरती के लिए वरदान बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं, इससे विपरीत भावनाओं से युक्त है, वो तो फिर हम नज़ारे देख ही रहे हैं कि यही इंसान दानव और शैतान बनकर इस धरती को पलीत कर रहा है। जहाँ पर प्यार की नदियाँ बहाने की बात, प्रेम की गंगा बहाने की बातें ये होती आ रही हैं, वहाँ पर उसकी बजाय खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। किस तरह से इंसान ऐसे एक हैवानियत और शैतानियत वाली फितरत और प्रवृत्ति से युक्त होकर इस दुनिया के सफ़र को, इस जीवन के सफ़र को तय कर रहा है। तो आज भी महापुरुष संत जनों ने
यही एक संदेश मुख्य रूप में दिया इस मानव को, इंसान को समक्ष रखकर कि हे इंसान, ये जीवन का सफर तय हो रहा है। मालिक ने तुझे जन्म दिया, इंसानी योनि में जन्म दिया, किसी सांप की योनि में नहीं दिया, किसी गधे घोड़े की योनि में जन्म नहीं दिया। मालिक ने तुम्हें जन्म दिया इंसानी योनि में, जो सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है, कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी, कि अन्य योनियाँ तेरा पानी भरने वाली हैं, इस धरती पर तेरी सिकदारी। तो ऐसे अमोलक जन्म को तूने पाया है, इसमें मालिक ने तुझे भेजा है, इंसान के घर तुझे जन्म दिया है, एक मानव का रूप तुझे दिया है, जिसके कारण ये कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा, कि ये बड़े भाग्य की बात है कि तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे? 84 लाख योनियाँ हैं धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र है। अगर 84 लाख योनि कोई नहीं भी माने, अक्सर कह देते हैं, दिमागी खेल खेले जाते हैं, कितने तर्क वितर्क सामने रखे जाते हैं और कह देते हैं कि गिने हैं 84 लाख योनियाँ जो बयान किए जा रहे हैं, तो अगर 84 लाख योनियाँ ना भी मानो, फिर भी कितने कितने तुम्हारे सामने योनियाँ आई हैं। डिस्कवरी चैनल खोलो या कोई और इन्फॉर्मेशन का चैनल आप खोलो, उसमें आपको कितने कितने ओशंस में, पानी में, जल में कितने कितने वो रूप मिल जाएंगे, कितने धरती के ऊपर कीड़े मकौड़ों की किस्में मिल जाएंगी, कितनी हवा में उड़ने वाले परिंदों की किस्में मिल जाएंगी, कितने जंगलों में रहने वाले जानवर, कितने ही सांप की जातियाँ प्रजातियाँ मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगर देखें कितने कितने लाखों ही संख्या में अलग अलग योनियाँ हमारे सामने हैं, लेकिन जब इंसानी योनि की बात आती है तो केवल और केवल एक, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, 10 भी नहीं, 50 भी नहीं, और दूसरी तरफ लाखों की योनियाँ जो इंसानी योनियों से हटके है। तो अगर यही इंसानी योनि में जन्म मालिक ने दे दिया तो फिर इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे? तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा, कि तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म तुझे मिला, बड़े भाग्य की बात है। और भाग्य की बात किस लिए? क्या तुझे दिमाग मिला है इसलिए? क्या तुझे 4 टांगों की बजाय 2 पांव मिले हैं इसलिए? तेरी शक्लो सूरत सुंदर है इसलिए? नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा का मतलब इस संदर्भ में है कि जो मालिक ने तुझे ये अवसर दे दिया है, ये मौका दे दिया है कि तू अपने आप की पहचान कर सकता है, तू अपने मालिक की पहचान कर सकता है, ये सुनहरी अवसर के रूप में देखा गया है। इसीलिए वो भी कहावतें आपके सामने हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, कि जन्म जो तुझे मिला है ये हीरे जैसा जन्म है। लेकिन अगर हीरे जैसा जन्म पाया और इसकी कदर ना की तो फिर यही कौड़ी मोल इसका पड़ता है। और अक्सर इंसान अपने ही हीरे जैसे अमूल्य जीवन का मोल कौड़ी डालते हैं, क्योंकि वो इस सत्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो मानवीय गुणों से युक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम करुणा का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो अहम अभिमान में जीते हैं, क्योंकि वो संकीर्णताओं में जीते हैं, क्योंकि वो तंग दिलियों में जीते हैं, क्योंकि वो दूसरों को कीड़े मकौड़े समझकर उन पर जुल्म और सितम करते हैं, कुचलते हैं, मसलते हैं, धर्म का नाम लेकर, मज़हब का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, भाषा का नाम लेकर या
थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपने ही भाई की जान लेने पे उतारूं। पिता जिसने पाला पोसा है उसकी वसीयत किसी और तरफ ना मुड़ जाए, उसकी उससे पहले जान ही ले लो। तो इस तरह से इंसान में ऐसी वो फितरतें जाग चुकी हैं जिसके कारण उसने अपने ही जन्म का मोल कौड़ी डाला है, किसी दूसरे ने नहीं खुद डाला है। क्योंकि खुद नहीं जागा, क्योंकि खुद नहीं संभला, क्योंकि खुद वो मानवीय चाल को नहीं अपनाया, तो फिर किसी और ने थोड़ी तूने खुद ही अपनी इस अमोलक जन्म का मोल कौड़ी डाला है। क्योंकि केवल और केवल दुनिया और दुनियादारी तक तूने अपने इस सफ़र को सीमित रखा है, इससे आगे नहीं निकला है। तो इसलिए महापुरुष संतों के हमेशा से ये वचन आते रहे हैं कि इंसान इस जन्म को पाया है तो यह एहसास करके मूल्यवान है। पौड़ी छिटकी हाथ ना आए, मनमुख अहला जन्म गवाए। कि ये मनमुख मत बन, अज्ञानी मत बन, एक जागरूकता को प्राप्त कर ले। जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा, रात्रि नहीं है सुबह का वक्त है। इंसानी जन्म पाना यानी कि सुबह का वक्त है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये सोने का वक्त नहीं है, अब तुझे इंसानी जन्म मिल चुका है, ये भोर हो चुकी है, ये सवेरा हो चुका है, अब तू आंखें खोल ले, अब तू जाग जा। उठिष्ठ जागृत, उठो जागो, अराइज एंड अवेक। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के ये मुख्य वचन, ये अक्सर हमें पढ़ने को मिलते हैं कि अराइज एंड अवेक, डू नॉट बी इन स्लम्बरनेस, अवेक फ्रॉम द डीप स्लीप यू आर स्लीपिंग इन, नो मोर स्लम्बरनेस, अवेक। The awakening has to take place in your life. उत्थिष्ट जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है, जान लो जो जानने लायक है, कदम वो उठा लो जो उठाने लायक है। तो इसलिए वो जागना ज़रूरी है, उसमें स्थापित होना ज़रूरी है। इसलिए जगाने की बात महापुरुष संत जन करते आ रहे हैं। लेकिन इंसान की ही फितरत युगों युगों से रही है सोने की। केवल एक कुंभकर्ण की बात नहीं है कि नगाड़े भी पीटे गए फिर भी नहीं जागता, ढोल भी बजाए गए नहीं जागता, कितने कितने साधन अपनाए जाते नहीं जागता। इसी तरह से ये इंसान की फितरत में भी हर युग में, ये नहीं कि वर्तमान का समय या कलयुग जिसको हम कहते हैं, इस समय में ही ये सोना इसके हिस्से में आया है। ये तो युगों युगों की बात है, ये सोता आया है, ये जागने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों को सतयुग में भी जगाना पड़ा इंसान को, त्रेता में भी, द्वापर में भी, हर युग में इंसान ने सोए हुए को उठाना पड़ा है। ये नहीं कि जन्म मिला और उसके बाद थोड़ी होश संभाली और इसका मतलब ये जाग गया, सारी सारी उम्र ये सोया रहता है, सारी सारी उम्र बीत जाती है लेकिन जागना इसके हिस्से में नहीं आता, यानी कि तमाम सफ़र जीवन का सोए हुए ही बिता देता है और ये सांसों की लड़ी भी फिर टूट जाती है और अंधकार में रहा, अंधकार कायम रहा और कोई बात बनी नहीं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन यही एक जगाने का कार्य करते आए हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा हे मुसाफिर। मुसाफिर उसी को कहते हैं कि जो ठहरता नहीं है। तो दुनिया में हर कोई मुसाफिर है, जो आता है वो जाता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कि जो आते हैं उनको जाना भी है, उगा हो सो काटिए, फूला सो को मलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। तो जो उगता है वो कुम्हलाता भी है,
उगा हो सो काटिए, जो उगता है वो काटते भी हैं, फूले सो कुम्हलाए वो भी कुम्हला जाते हैं फूल पौधे, जो बना सो गिर पड़े, जो बनता है वो गिर भी जाता है, मकान गिर जाते हैं, महल गिर जाते हैं, कितने कितने आलीशान महल और आज खंडर बने हुए हैं। जो जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए, जो दुनिया में आता है उसको जाना भी है। जब जन्म मिलता है वो एक सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू कि उसने जाना भी है, हमेशा यहाँ पर नहीं रहना किसी ने भी। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कि ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का शरीर हमें देखने को मिल रहा है और रावण जो सोने की लंका का मालिक है शरीर उसका भी नहीं रहा। तो राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक थिर किच नहीं सुपने जो संसार। यानी कि वही बात, जो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। तो उस हर किसी को जाना है, कोई हमेशा नहीं रहने वाला है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाजी जीत लो, इस संसार में आए हो तो जान लो कि मुसाफिर हो, डड्डा डेरा ये नहीं, ये तुम्हारा डेरा नहीं है। जैसे एक कोई साधु किसी महल में गया और महल में गया तो वहाँ पर बहुत कीमती सामान पड़े हुए, आलीशान पदार्थ वहाँ पर वस्तुएं पड़ी हुई, कहाँ कहाँ से दुनिया के किस किस कंट्री से वो एंटीक्स और कितने कितने वो वस्तुएं वहाँ पर कीमती पड़ी हुई। तो इतना आलीशान संगमरमर का बना हुआ, तो वो महात्मा कहने लगा वाह कमाल की सराय है। अब सराय कहा तो वो परेशान हो गया, वो सेठ कहने लगा लगता तो ये महात्मा है लेकिन लगता है कोई दिमाग का पुर्जा हिला हुआ है इसका, ये इतना आलीशान मकान अरबों का बना हुआ, अरबों की वस्तुएं पड़ी हुई और ये सराय कह रहा है। तो उसने कहा महात्मा सराय नहीं ये घर है। कहने लगा अच्छा घर है, अच्छा तो आप यहाँ रहते? हाँ जी मैं रहता हूँ, आपसे पहले मेरे पिताजी, उससे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले परदादाजी। तो आगे से महात्मा कहते हैं कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमेशा इसमें कोई राह नहीं, परदादा और फिर दादा फिर पिता फिर आप, तो वो रहे तो नहीं हमेशा, घर तो उसी को कहेंगे कि जो वहीं पर डेरा लग जाए, लेकिन डेरा तो नहीं रहा। जैसे एक और मिसाल आती है कि एक ऐसे ही फकीर संत और किसी ने उसको पूछा कि आबादी किस तरफ है, उसने इशारा कर दिया इस तरफ है, वो उस तरफ चला गया, इंसान चला तो गया वापस लौट भी आया और लौटा तो इतना लाल पीला गुस्से में, उस फकीर को कहने लगा मैंने आपसे पूछा था कि आबादी किधर है तो आपने इस तरफ इशारा किया, मैं उधर गया, वहाँ तो कब्रिस्तान था, तो वो आबादी मैंने पूछी थी। तो वो फकीर कहने लगा मैंने ठीक ही तो बताया था, असल में तो आबादी यहीं थी, वहाँ से तो उजड़ कर यहीं आकर बसते हैं, जब भी ये जीवन का सफ़र तय होता है यहीं आकर बसते हैं, मैंने तो आबादी का ही रास्ता बताया था। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन ये सच्चाई सामने रखते हैं, ये नहीं कि कोई डराने के लिए भय देने के लिए, ये केवल आईना रखते हैं सामने सत्य रूपी, कि नशे में इतना चूर ना हो जाओ कि भूल जाओ कि तुम भी यहाँ पर कुछ समय के लिए हो, चार दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कि ये हमेशा ये सिलसिले चलते नहीं रहने हैं, कोई भी हमेशा नहीं रहा है, हर किसी को जाना है। इसलिए इंसानों जन्म लेने के बाद और यहाँ से रवानगी होने से पहले जो बीच का वक्फा है,
इसमें वो कदम उठा लो कि तुम इस संसार में भी यश के पात्र बनो और अगले जहान यानी कि परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाए, इस हरि की दरगाह में भी तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यहाँ पर वो काम कर गुज़रो और वो यहीं पर करने होंगे, लोक में ही वो कदम उठाने होंगे परलोक को संवारने के लिए भी। दोनों जहान यहीं संवरेंगे, इस संसार से रुखसत हो जाने के बाद नहीं, वो यहीं पर कदम उठाने होंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये लम्हे ये कीमती हैं, ये पल कीमती हैं, ये सांस कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक पल कीमती है। जब ये सांस उखड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कितने कीमती हैं। जब बड़े आराम से हम सांस ले रहे होते हैं तो इन सांसों की कदर नहीं होती है, ज़रा सा कोई दम घुटना शुरू हो तो हम छटपटाते हैं, कोई गला ही दबा दे हमारा छटपटाते हैं, कोई पानी में ही गोते आने शुरू हो जाएं तो छटपटाते हैं। और जब आराम से सांस ले रहे थे तो इन सांसों की कोई कदर ना थी। तो एक एक सांस की कीमत है, इसकी कदर करना जान लें, और वो कदर करेंगे तो इसकी कीमत का एहसास होगा, फिर इनको व्यर्थ नहीं गवाएंगे, फिर इनको हम एक पाप दुष्कर्म करते हुए नई लम्हों को बिताएंगे। ये सांस लेंगे तो हम नेकी करते हुए इन सांसों को लेंगे, दूसरों के काम आते हुए हम इन सांसों को लेंगे, दूसरों को खुशी देते हुए हम इन सांसों को लेंगे, यानी कि वो सांस भी उनकी कीमत भी हमने जानी और कीमत डाली भी। एक ऐसी सुंदर चाल चलने के कारण, सुंदर भावनाओं से युक्त हो जाने के कारण, सद्व्यवहार कर लेने के कारण, इस परमात्मा ईश्वर का एहसास इस नाम के रंग में रंग कर इस सफ़र को तय करने के कारण, तो यही महापुरुष संत जन भक्त जन ये पैगाम और ये संदेश ये लगातार ये देते आ रहे हैं कि इंसान इस जन्म को तूने पाया है तो वो पहला काम कर ले, ज़रूरी काम कर ले, तू जाग जा, इस सत्य की तरफ जाग जा। ये सत्य ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा निराकार अकाल पुरख जिसके अनंत नाम हैं, ऐसे नामी की पहचान कर ले। ये जो रम व राम है यही तेरा मूल है, तेरी आत्मा का मूल है, ये सारी कायनात का रचयिता है, ये सारा निज़ाम जिसके अधीन है, तो ऐसे मालिक खालिक को जान ले, इसके साथ अपना नाता जोड़ ले, और इसके साथ नाता जुड़ेगा अगर तू ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा। करूँ विनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरी लाहा आगे बसे सुहेला। तो ऐसे संतों का संग, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लो जिनके संग के द्वारा तुम्हें ये सत्य की पहचान हो जाएगी, इस मालिक खालिक का बोध हो जाएगा और इसको अंग संग जान लोगे, और इसको अंग संग जान लिया अपने मूल की पहचान हो गई, आत्मा की बात बन गई, आत्मा ने अपने जन्म को सुहेला कर लिया, इस संसार में आना उसका सफल हो गया क्योंकि उसने ये जागृति प्राप्त कर ली, उसने अपने मूल की पहचान कर ली, इस मालिक खालिक को पहचान लिया जो ज़र्रे ज़र्रे में समाया हुआ है, जिसको दूर माने बैठा था, जिसकी तरफ अनजान बना हुआ था, अब इसी को रूबरू देख रहा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो इसको रूबरू इसको जान लिया और फिर दसों दिशाओं में नतमस्तक हो गया, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया, इसकी कण कण में उपस्थिति को जब ज्ञान की दृष्टि से देख लिया तो नतमस्तक हो गया दसों दिशाओं में कि तू ही तो है विराजमान, तेरी ही तो उपस्थिति है, तू ही तो है जो अजन्मा है,
तू ही तो है जो नाश नहीं होता है, तू ही तो है जो असीम है, तू ही तो है जो अजर है, तू ही तो है जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, तू ही तो है जिसे कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं भू कहा जाता है, तू ही तो है। तो जैसे अर्जुन नतमस्तक हो जाता है इस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद, इसी तरह से कबीर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं इसको अंग संग जान लेने के बाद, और जरिया उनके लिए भी एक ब्रह्म ज्ञानी ही रामानंद जी के रूप में, मीराबाई को अविनाशी की पहचान मिली, श्याम का असली अविनाशी रूप जाना फिर से ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, यानी कि एक जो रविदास जी के द्वारा, रविदास जी के द्वारा उन्होंने इस सत्य को जाना, और मीराबाई भी फिर यही पैगाम देने लग पड़ी कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु ओ मोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो, कि वाकई ही ये राम रतन धन मुझे मिल गया है, एक श्याम का असली रूप मुझे मिल गया है। श्याम का आकृति और रूप वो तो मेरे पास रहा, लेकिन अविनाशी जो रूप था श्याम का उससे मैं वंचित थी, तो इसको जाना तो धन्य हो गई, सच्ची दौलत हिस्से में आ गई, और वही वे फिर सर किसी को ये संदेश और पैगाम दे रहे हैं। तो यानी कि महापुरुष संत जनों के इतिहास भी यही बताते हैं कि ये परम अस्तित्व निराकार, इसको जान लेने के बाद ही हम मंजिल मकसूद को पा लेते हैं, वरना ये सफ़र हमारा जारी रहता है, वरना ये जन्म मरण के फेर में हम पड़े रहते हैं, वरना ये जंजीर में जकड़े रहते हैं, इससे हमें निजात हासिल नहीं होती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये काम कर लो जो लाजिम है, इस सत्य को जान लो, इस ईश्वर का बोध हासिल कर लो, और जो फिर इसको जान जाते हैं उनकी तमाम दूरियां समाप्त हो जाती हैं। जिसको दूर माने बैठे थे, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत होई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, शह रख थी रा बसदा नेड़े, कि जो शह रख से भी नज़दीक है खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है, जो उधर तो है और इधर नहीं है वो खुदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको करीब जाना, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब कुछ नहीं, लेकिन ये दूरी फिर भी बनी रही, इसको दूर माने बैठे, इसको सातों आसमानों पे इसको सीमित रखा हमने, इसको हमने एक दिशा में सीमित रखा, इसको हमने जाना कि शायद जंगल में ही है, इसीलिए जंगलों में गए खोजने के लिए, काहेरे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि कहाँ बनों में खोजने जा रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, जंगलों में वीरानों में कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि तेरे संग है। तो इस तरह से इसको करीब जान ले, और जो इसको करीब जान लेता है यानी कि खुदा से दूरी मिट गई, और जब खुदा से दूरी मिट गई तो फिर इसके बंदों से भी दूरी मिट गई, इससे समीपता नहीं बनी थी, इससे नाता नहीं जुड़ा था, इसलिए इसके बंदों से भी दूरी बनी हुई थी, इसलिए हमने इन बंदों से भी फासले बनाए हुए थे, तू पंजाबी है मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ तू राजस्थानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ तू पाकिस्तानी है, इस तरह से तू चीनी है तू जापानी है तू अमेरिकन है तू यूरोपियन है तू अरबी है तू फारसी है, इस तरह से ये दूरियाँ बनी हुई थी, मैं ब्राह्मण हूँ तू क्षत्रिय है तू वैश्य है तू हरिजन है इत्यादि, इस तरह से ये दूरियाँ बनी हुई थी।
जैसे कल भी कहा कि रंग नस्ल के लिहाज से भी दूरियां, तो जब खुदा से नज़दीकत बन गई तो फिर इंसानों के दरमियान भी दूरियां मिट गईं। तो इसलिए इस खुदा से नज़दीकत बन जाए ताकि इंसानों से भी नज़दीकत बन जाए, और फिर इंसानों से नज़दीकत बन गई तो फिर असली इबादत हमारी हो गई। जब इंसानों से प्यार करना हम सीख गए, इनसे फासले मिटा दिए, इनको गले लगा लिया, ये नहीं देखा कि ये पगड़ी वाला है कि टोपी वाला है, इनको हमने गले लगा लिया, जान लिया कि ये मेरे ही परिवार का अंग है, खुदा के ही परिवार का अंग है। जो वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र है, जो पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, अब वो अवस्था बन गई है, अब नज़दीकत बन गई है, अब ये दूरी बाकी नहीं रही। तो जब इंसानों से दूरी मिट गई, इंसानों से प्यार करना हमने सीख लिया, तो फिर यानी कि सही मायनों में खुदा की बंदगी और इबादत हो गई। जैसे वो शायर ने कहा है कि सर झुकाने से नमाज तो अदा हो जाती है, लेकिन इबादत के लिए दिल झुकाने पड़ते हैं। कि केवल सर झुका लिया तो नमाज तो हो गई अदा, लेकिन सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी के लिए तो दिल झुकाने पड़ते हैं। और दिल वही झुकते हैं जिनमें प्यार बसता है, जिनमें प्रेम बसता है, वही झुकते हैं। वरना तो अहम से भरे होते हैं, अभिमान से भरे होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं, मैं क्यों इसके करीब जाऊं, मैं क्यों इसको अपनाऊं, ये मेरे से नीचा, मैं ऊंचा, मेरा मज़हब ऊंचा, इसका मज़हब नीचा, मेरा पैगंबर ऊंचा, इसका नीचा, इस तरह से मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, इस तरह से अहम में चूर रहते हैं। जैसे वो शायर का फिर एक शेर ध्यान में आया कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है, कि जितना इसका सर भरा हुआ है यानी कि अभिमान से भरा हुआ है, दिल इतना ही खाली है, दिल बिल्कुल खाली है। जैसे कि एक कोई वीरान जगह है, खंडर है, दिल बिल्कुल खाली है क्योंकि सर भरा हुआ है, और जिसके सर भरे होते हैं वही सर फिरे होते हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही एक संदेश देते हैं कि इस खुदा से नज़दीकत बना लें, इस मालिक खालिक से नज़दीकत बना लें, और इसके बंदों से नज़दीकत बना लें, और सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं है, और कोई ज़रिया नहीं है। तो इसलिए इन बंदों से प्यार करना हम सीख जाएं, और प्यार का जहान हम बसाते चले जाएं, चारों तरफ प्यार के तराने हों, चारों तरफ प्रेम के नगमे हो, चारों तरफ प्यार की ठंडी फुहार हो, और इस प्रकार से एक हम दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को हम तय कर लें। कहीं पर भी अहम ना हो, कहीं पर भी अभिमान ना हो, जैसे हिरण्यकश्यप वो सतयुग में हुआ, लेकिन वो सतयुग में पैदा होने के बावजूद वो अभिमान में रहा, वो क्रूर रहा, अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर जुल्म करता रहा, और उसका बेटा वो भक्त साबित हुआ, अपने ही पिता से कहीं ऊंचा साबित हुआ। तो इस प्रकार से होली का त्यौहार अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरा है, और होली के त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ वही पहलू है, हिरण्यकश्यप वाला, भक्त प्रहलाद वाला, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वाला, जो अभिमान में चूर थी, और इसलिए उसी अभिमान के कारण उसने अपने आप का अंत कर डाला, और भक्त प्रहलाद की जय जयकार हो गई। तो इस तरह से इस अहम से ऊपर उठकर विनम्रता को धारण करके, खलूस और प्रेम के भाव को अपने हृदय में बसाकर, एक दूसरे का भला मांगना भी, एक दूसरे का भला करना भी,
ये आ जाए अगर इंसानों को, तो वाकई ही ये धरती स्वर्ग बन जाए। ज़ुबानें तो कहती हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, कि ज़ुबान तो ज़रूर कह देगी। किसी धर्म स्थल पर गए हैं तो ये उच्चारण कर ही डालेंगे कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये ज़ुबान ने तो कह दिया, लेकिन मन में क्या प्रार्थना चल रही है? मन में ये प्रार्थना चल रही है कि जब मैं यहाँ से घर लौटूं तो पड़ोसी का सत्यानाश हुआ हो। इस प्रकार से मन में तो ये विचार चल रहे होते हैं, मन में तो ऐसी भावनाएं विषैली चल रही होती हैं, लेकिन ज़ुबान क्योंकि मजबूरी है, अब कहीं पर प्रार्थना हो रही है धर्मस्थल पर तो ये तो हमने गानी ही है, लेकिन मन में क्या चल रहा होता है। तो इसलिए भक्तजन, महापुरुष, संतजन वो मन से भी यही प्रार्थना करते हैं और व्यवहार के रूप में भी वो सुंदर रूप में ही व्यवहार करते हैं, सद्भावना और सद्व्यवहार। इस प्रकार से ये सलीका, ये जीवन का, ये हर किसी को आ जाए, यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना, यही एक अरदास की जा रही है। साथ ही साथ वो संदेश भी दिए जा रहे हैं, वो मरम भी बताई जा रही है, वो ढंग भी बताया जा रहा है, वो रास्ता भी दर्शाया जा रहा है कि जिस रास्ते पे चलने से, जिन भावनाओं से युक्त होने से, हे इंसान, तेरा म्यार ऊंचा होगा, तो उसी रास्ते पे चल निकल, उन्हीं भावनाओं से युक्त हो जा और अपना ये सफ़र जो है ये जीवन का मुबारक बना ले। ये तुम्हारा संसार में आना भी मुबारक, तुम्हारा संसार में रहना भी मुबारक, और जब संसार से रुखसत हो जाओगे तो तब भी अपना यश छोड़ कर जाओगे, एक दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बनकर जाओगे। तो ये काम कर गुज़रो, ये कदम उठाओ, यही एक महापुरुषों संतों का ये भाव है, ये संदेश देने का जो युगों युगों से ये दिए गए हैं और आज भी वही संदेश ये दिया जा रहा है, ये दोहराया जा रहा है। तो अव सत्संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस प्रार्थना के साथ कि दातार ऐसी कृपा करे, सबको तौफीक बख्शे, ताकि सभी समय रहते हुए ही ये कदम उठा लें, सत्य से नाता जोड़ लें, अपनी पहचान बना लें, बंदों की कदर कर लें, प्यार से व्यवहार कर लें और एक नेकी के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं, एक निर्मल और शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर एक महक की महक चारों तरफ फैलाते चले जाएं और कभी भी भूलकर उस रास्ते पे ना चलें जो विनाश वाला रास्ता है, जो पतन वाला रास्ता है, उस रास्ते पे हरगिज़ ना चला जाए। रास्ता वही अख्तियार किया जाए जो ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, जो लोक और परलोक संवारने वाला है, उसी डगर पर चलें, उसी रास्ते पे चलें। और यही एक मंतव्य, यही मकसद था इस समागम का भी, जो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो मिला जुला समागम जबलपुर के इस शहर में आयोजित हुआ है। तो इस अवसर, इस मौके के ऊपर आप सभी का यही ध्येय है और उसी की पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान से चलकर आए हैं। इस इन प्रांतों से ही नहीं, अन्य प्रांतों से भी नुमाइंदगी हुई है। तो इस प्रकार से यही उत्साह, यही लगन, परोपकार के जज्बे ये हमेशा बने रहे, ये भी शक्ति सामर्थ्य दातार सबको प्रदान करे। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे ज़्यादा चाहेगा, जो कल और आज सुंदर एक आनंदमय वातावरण आपने स्थापित किया, तो ऐसे ही वातावरण जगह जगह पर स्थापित होते चले जाएं, धरती के हर जर्रे पर स्थापित होते चले जाएं, जहाँ पर केवल और केवल महक ही महक हो, कोई दुर्गंध ना हो, महक हो प्यार की, एक महक हो, एक खुशबू हो ऐसे प्रेम की, जिसकी ज़रूरत आज धरती को है। सत्संग जी धन।